सो हे गाइस, व्हाट इज अप, सारिस बैक फॉर द न्यू वीडियो। आज तुम्हारा भाई काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने के लिए निकल गया है और फिर अभी जा रहे भाई घर के पास में ही है। जल्दी से जाते हैं, मनीष को लेंगे, उसके बाद फिर जल्दी से वीडियो बनाने के लिए भागना है भाई। तो ज़्यादा बात नहीं करते, वो मनीष को लेते हैं और जल्दी से आप लोगों से रास्ते में मिलते हैं। निकल गए रास्ते पे और भाई जा रहे हैं, गाड़ी का जल्दी से सब काम करवा दें क्योंकि ऐसे गाड़ी ख़राब में चलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ब्रेक पैड जैसे पीछे ले पूरा घसा गया यार, आवाज़ कर रहा बहुत बेकार से आवाज़, जैसे कैसे लोहा रगड़ाने से आवाज़ करता है बस वही आवाज़ आ रहा, पीछे वाला से भी और आगे वाला से भी, दोनों पूरा घस चुका है। और इसका जो सॉकर लीक हो गया था भाई, फ्रंट वाला इस साइड का लीक हुआ है पूरा, तो इसको जाके चेंज करवा दे रहे हैं। जैसे सोचे थे और कुछ दिन बाद चेंज करवाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लीक करने लग गया है, तो इसीलिए जा रहे जल्दी से चेंज करवा देंगे क्योंकि गाड़ी ऐसा रहता तो अच्छा नहीं लगता चलाने पे। तो मस्त सा भाई चेंज हो जाने के बाद फिर व्हीली तो बहुत कम ही मारने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये हमको तो जहाँ तक लग रहा है व्हीली मारने की वजह से ही हुआ है। और भाई आप लोगों को एक बैड न्यूज़ भी देना था, बहुत ख़राब लगा ऐसा भाई सुन के कि हमारा एक फ्रेंड था भाई जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहा है। जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो पे आप लोग देखे होंगे MT15 वाला जो राजू भाई करके हम बोलते थे, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके वीडियो देख लीजिए तो उसे पता चल जाएगा, वो हमारे साथ में वीडियो बनाता था तो वो अब नहीं रहा हमारे। बहुत ख़राब हुआ भाई उसके साथ में, वो निकला था भाई राइड पे, निकला था 4 दिन का ट्रिप था उसका, मेरे को भी यहाँ तक कि बोला भाई चलो ऐसे ऐसे करके राइड पे जा रहे हैं, तो नेता हट गया था भाई उन लोग, तो बोला भाई चलने के लिए, तो मेरा तो कॉलेज रहता है तो बोला 4 दिन का ट्रिप है, तो हम बोले कॉलेज तो अटेंडेंस का जरूरी रहता है, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर बात हुआ था कि वहाँ से जब रिटर्न आना तो फिर साथ में वीडियो बनाने चलेंगे, ऐसा सब बात हुआ था। तो जिस दिन हुआ भाई 9 तारीख को ऐसे दोपहर के टाइम पे हुआ कि कब हुआ तो नहीं पता, कॉल भी आया भाई 5:26 पे मेरे को, लेकिन हम उस टाइम क्लास पे बैठे थे ट्यूशन पे तो हम कॉल नहीं उठा पाए। तो मेरे को बहुत गिल्ट फील हो रहा है इसलिए कि हम कॉल नहीं उठा पाए जब मेरे को ये सब पता चला, तो पहले तो हम उसको उस टाइम रिटर्न भी कॉल नहीं किए थे, मेरा दिमाग से हट गया था। तो नेक्स्ट डे मेरे को एक फ्रेंड फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसा ऐसा करके हो गया है, तो हम बोले सच में, मेरे को एकदम विश्वास नहीं हुआ उसका बात सुन के। तो हम भाई खुद से उसका नंबर पे कॉल लगाए तो कोई और भाई उठाया तो पूछे राजू भाई है, तो बोला राजू भाई तो नहीं है भाई, ऐसे ऐसे करके स्पॉट डेथ हो गई ऐसे करके बताया, तो बहुत ख़राब लगा सुन के। और अभी भी होता ना कि भाई भरोसा नहीं हो रहा कि सच में ऐसा हुआ है, इतना मस्त लगता था ना भाई, एकदम फुल माइंड भाई एकदम खुल के सब रहता था, एनी टाइम उसके फेस पर स्माइल रहता था भाई, कभी किसी से कोई झकझक कुछ भी नहीं, एकदम मस्त रहता बिंदास रहता था सबके साथ में। तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था मेरे को कि ऐसा ऐसा सच में हुआ होगा उसके साथ में, तो बहुत ख़राब लगा भाई। हम लोग की तरफ से यही है कि भाई तुम जहाँ भी हो सही से रहना, हम लोग हमेशा तुमको याद करेंगे। और मेरे साथ वीडियो बनाने जाता था यार, तो अभी भी जैसे वीडियो बनाने निकले तो उसी का बात मेरा माइंड पे चल रहा है। एक होता है ना भाई कि कुछ काम अगर कोई साथ में करे, अगर वो ना रहे तो सेम चीज़ हम भी करते हैं, जैसे हम भी वीडियो ही बनाते, वो भाई भी वीडियो बनाता था, तब हम जब भी वीडियो बनाने निकलेंगे तो उसका याद हमेशा, आज भी निकले तो सेम चीज़ वही हुआ भाई, मेरे बहुत याद आया उसका कैसे करके अपना भाई भी था साथ में जो कि अब नहीं है। तो भाई उनकी तरफ से यही दुआ रहेगा कि तुम जहाँ भी रहो भाई सही से रहो, भगवान हमेशा तुमको अच्छे से रखे, बहुत मिस कर रहे तुम्हें यार, क्या करे, ख़राब तो लग रहा है बहुत ज़्यादा ही, सोचे नहीं थे कभी ऐसा भी हो सकता है। मिलने का बात हुआ था राइड पे आने के बाद लेकिन वो भी नहीं मिल पाए, ना तुम्हारे लास्ट बार कॉल उठा पाए, जबकि हम कॉल भी किए थे तो उस टाइम बोले कि ऐसा ऐसा करके मेरे कल 5:26 में कॉल आया था शाम को, तो बोला भाई उससे पहले ही हो चुका था। तो भाई हम यही सोच रहे हैं कि कॉल आया तो आया कैसे, जबकि उसके पास भी आईफोन 13 था, और भाई 13 का आप लोगों को, 13 का छोड़ो यार आईफोन का तो फीचर्स मालूम ही है आपको कि कोई लॉक नहीं खोल सकता कैसे भी कर ले, तो उस टाइम हो चुका था उससे पहले, तो मेरे को कॉल आया कैसे, और हम बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि उसका कॉल नहीं उठा। तो यार बहुत ख़राब लग रहा सुन के, यही सब आप लोगों को बताना था कि जो अपने राजू भाई थे, राजू भाई बहुत अच्छा था लेकिन अब नहीं है, तो यही प्रे रहेगा भाई जहाँ भी रहो अच्छे से। आना था अपना फ्रेंड के ही पास, फ्रेंड बोला कि भाई मेरे पास तो अभी नहीं होगा सामान सब, तो बोला कि गोलमुरी में जाके देख लेने के वहीं जा रहे हैं। भाई लेट नहीं करते हुए जल्दी जाते हैं, जहाँ पर ही गाड़ी बनेगा वहाँ पे जाके आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। अरे टेंडा हो गया गाइस, सामने भी स्क्रीन है। अरे हम लोग के पाजी हैं दुबई से रिटर्न, क्या अभी गाड़ी बनाने आए हैं हम भी। हाँ पाजी भी दुबई रिटर्न है। ओ भाई हम लोग आईफोन है, जादू मेरा काम कर रहा, जादू इधर देख तेरा वीडियो बन रहा है, ये जादू बाबू काम कर रहे हैं, और मालिक देखिए दोनों हाथ उठा के खड़ा है। तो भाई आज का सब काम ख़त्म करने के बाद फाइनली भाई हम लोग 4 बजे फ्री हुए, सुबह जो 12 बजे से निकले घर से
और 4 बजे काम खत्म हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं काम था भाई, दोनों ब्रेक पैड चेंज करना था और आगे का शॉकर लीक हो गया था, वो बस चेंज करना था भाई। तो सोचो इतना टाइम पे ना हुआ। और जो भी भाई आज इतना ही था, आप लोगों से कुछ बात भी शेयर करना था और ये जो गाड़ी का काम था ये भी कंप्लीट कर लिए, तो भाई अब घर जा रहे हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज के वीडियो कैसे लगा भाई कमेंट में बता देना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग पे गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।